नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी में छठे और मणिपुर में पहले चरण की वोटिंग खत्म। मणिपुर में हुई बंपर वोटिंग, 80% हुआ मतदान। वहीं यूपी में करीब 57% डाले गए वोट। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। वाराणसी में रोड शो के बाद पीएम मोदी ने किए बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन। तो वहीं जौनपुर की रैली में पीएम का सपा कांग्रेस गठबंधन पर हमला। साथ ही किसानों के कर्ज माफी का भी पीएम ने किया वादा। वाराणसी में रहा आज रोड शो का दिन। पीएम के बाद बनारस की सड़कों पर राहुल अखिलेश ने दिखाया दम। डिंपल भी रही मौजूद। वहीं रोहनिया की रैली में मायावती ने पीएम के रोड शो पर उठाए सवाल। यूपी के मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति की तलाश हुई तेज। ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है पुलिस। गायत्री प्रजापति को लेकर पीएम का यूपी सरकार पर हमला। कहा सपा वाले गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। मुंबई में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। मुंबई में अब शिवसेना का मेयर बनना तय। अमेरिका में एक और भारतीय की हत्या। साउथ कैरोलिना में व्यापारी हरनीश पटेल को हमलावरों ने मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाल ही में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुची भोटला की भी हुई थी हत्या। और बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में एक बार फिर बिखरी टीम इंडिया। पहली पारी में 189 रनों पर हुई ऑल आउट। लियोन ने झटके 8 विकेट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया बिना नुकसान के साथ 40 रन पर क्रीज पर डटी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।